तो मूवी यहाँ से शुरू होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक स्विमिंग पूल में मार्क नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि मार्क जो अपने एक दोस्त के साथ क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर पहले तो उसकी दोस्त उसे कुछ नहीं कहती है, लेकिन बाद में मार्क को जाने के लिए बोल देती है, जिसे सुनकर मार्क वहाँ से निकल कर अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन मार्क की मॉम उसे कहती है कि आज उसके अंकल जीना नाम की लड़की को घर पर सबसे मिलाने के लिए आने वाले हैं। फिर आगे मार्क अपनी मॉम के साथ मिलकर घर की साफ सफाई कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि पूरी फैमिली घर के डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है और अंकल मार्क उनकी गर्लफ्रेंड जीना को सबसे मिला रहे हैं। वही खाना खाते वक्त सभी जीना को ही देख रहे थे क्योंकि उसने काफ़ी छोटे और मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। और फिर आगे सबका खाना हो जाता है तो मार्क अपनी दोस्त के साथ वही चर्चा कर रहा होता है कि जीना ने कितने छोटे कपड़े पहने हुए थे। वहाँ पर मार्क की मॉम आ जाती है और कहती है कि हमें नहीं पता कि वहाँ पर कल्चर कैसा है, शायद उनके यहाँ ऐसे ही कपड़े पहनने का रिवाज हो और इसीलिए हमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए, और सब इस बात पर एग्री भी करते हैं। आगे हम पूरी फैमिली को एक एयरपोर्ट पर किसी का वेट करते हुए देखते हैं। दरअसल जीना की पहली शादी से उसे एक लड़की है जो इनसे मिलने आ रही है। उस लड़की का नाम नताशा है और वो जब आती है तो मार्क उसे पहली नज़र में ही पसंद कर लेता है। आगे हम मार्क को ड्रग्स की डिलीवरी करते हुए देखते हैं। दरअसल ये वो थोड़े से पैसे के लिए कर रहा था क्योंकि छुट्टियाँ भी चल रही थी। फिर उसके थोड़े समय बाद अंकल मार्क की जीना से शादी हो जाती है और फिर सब लोग मार्क के घर पर लंच कर रहे होते हैं और तभी हम देख पाते हैं कि नताशा यहाँ पर बहुत ही बोर हो रही है। और जब मार्क की मॉम उसे देखती है तो मार्क को उसे पूरा घर दिखाने के लिए कहती है। मार्क नताशा को पूरा घर दिखाता है और उसके बाद उसे अपना रूम दिखाने के लिए लेकर आता है, जहाँ पर नताशा भी बहुत ही खुलकर मार्क से बातें कर रही थी। नताशा मार्क से कहती है कि तुम इस रूम में कभी किसी लड़की को लाए हो? तब मार्क उसे कहता है कि तुम अभी मेरी कजिन हो और इसीलिए तुम्हें ये सारी बातें मुझसे नहीं करनी चाहिए। जिस पर नताशा कहती है कि मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ और 100 से ज़्यादा लड़कों के साथ सो चुकी हूँ। और बातों बातों में ही नताशा मार्क से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? जिस पर मार्क कहता है कि तुम मेरी कजिन हो और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। फिर नताशा कहती है कि इसमें कुछ गलत बात नहीं है और फिर मेरी मम्मी ने भी तुम्हारे अंकल के साथ सिर्फ पैसों के लिए ही तो शादी की है। जब मार्क ये सब बातें सुनता है तो सोच में पड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि मार्क की मम मार्क को कहती है कि तुम्हें नताशा के साथ टाइम बिताना चाहिए क्योंकि उसका यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं है, जिस वजह से वो अपना पूरा टाइम अपार्टमेंट में ही रहकर बिताती है। फिर अगले दिन मार्क नताशा से मिलने के लिए उसके घर आता है, जहाँ पर जीना उसका वेलकम करती है। और जैसे ही नताशा को पता चलता है कि मार्क उसे लेने आया है, वो फटाफट अपने मॉम को बताए बिना ही मार्क के साथ चली जाती है। उसके बाद मार्क नताशा को अपने दोस्त रूफस के घर लाता है। दरअसल रूफस यही इंसान है जो मार्क को ड्रग डिलीवरी करवाया करता था। रूफस नताशा को देखकर काफ़ी उसे पसंद करता है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। नताशा रूफस के बारे में मार्क से पूछती है कि वो घर में अकेला रहता है, जिस पर मार्क उसे कहता है कि रूफस अपने घर में अकेले रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। आगे नताशा और मार्क काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और शाम होने पर मार्क नताशा को उसके बिल्डिंग के बाहर छोड़ने आता है, जिस दौरान नताशा मार्क से कहती है कि मैं अगले दिन तुम्हारे घर पर तुम्हें मिलने आऊँगी। और ऐसा ही होता है, अगले दिन नताशा मार्क को मिलने के लिए उसके घर पर आती है। वो दोनों रूम में बैठ के थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर साइकिल लेके बाहर निकल जाते हैं। उसी दौरान मार्क ड्रग्स की डिलीवरी करता है और उसे लगता है कि नताशा को कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन नताशा को सब कुछ समझ आ रहा होता है। बाद में नताशा मार्क से पूछती है कि क्या तुम इस काम से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हो? जिस पर मार्क कहता है कि मैं इस काम से बहुत ही कम, यानी कि पॉकेट मनी जितने ही पैसे कमा पाता हूँ। आगे नताशा कहती है कि मैंने आज तक कभी भी ड्रग्स को ट्राई नहीं किया है और मुझे ट्राई करने का मन हो रहा है, जिस पर मार्क भी मान जाता है। और आगे के सीन में हम देखते हैं कि पूरी फैमिली एक डिनर टेबल पर बैठकर डिनर कर रही होती है।
और फिर मार्क नताशा को उसके घर पर छोड़ के आता है। अगले दिन नताशा मार्क के घर पर छुपके से आ जाती है, जहाँ पर मार्क ने पहले से ही नशे करने का पूरा सामान पहले से ही तैयार करके रखा हुआ होता है। और फिर बिना समय गवाए ये दोनों नशा करने लग जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद नताशा मार्क से कहती है कि क्या वो उसके लैपटॉप पर फेसबुक चेक कर सकती है, जिस पर मार्क हाँ कहता है। आगे नताशा जैसे ही लैपटॉप ओपन करती है उस पर एक एडल्ट मूवी स्टार्ट हो जाती है। मार्क उसे जैसे ही देखता है तुरंत बंद कर देने के लिए कहता है। नताशा बंद तो कर देती है, लेकिन फिर नताशा अपने प्राइवेट फोटोज मार्क को दिखाती है। मार्क उसे जैसे ही दिखता है पूरी तरह से चौंक जाता है। फिर नताशा उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है, जिस पर मार्क अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। नताशा समझ जाती है और फिर वो मार्क के नज़दीक आती है और आगे हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब ये सब हो जाने के बाद नताशा मार्क को बताती है कि मैं बहुत पहले पैसे कमाने के लिए लोगों के साथ सोया करती थी, लेकिन फिर एक बार मेरी फ्रेंड की मॉम को ये सब के बारे में पता चल गया और उसने मेरी मॉम को बता दिया। लेकिन मेरी मॉम ने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको भी मेरे कमाए हुए पैसे अच्छे लगते थे और वो मेरे पैसे भी ले लिया करती थी, और इसी के कारण मैंने वो काम छोड़ दिया था। और इस घटना के बाद मार्क और नताशा काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। वो दोनों काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। इसी दौरान मार्क नताशा को बहुत ही पसंद करने लगा था और उसे प्यार भी करने लगा था, और इसी के कारण मार्क और नताशा काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ ही रहते थे, और नताशा भी पूरे दिन मार्क के घर पे ही पड़ी रहती थी। और इसी के दौरान पता चलता है कि नताशा के मॉम डैड बाहर घूमने जाने वाले हैं, और इसीलिए नताशा को आज मार्क के घर पे ही रुकना पड़ेगा। रात को नताशा मार्क को गुड नाइट बेबी मैसेज सेंड करती है और उसके तुरंत बाद उसके रूम में आ जाती है और कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है। और इसके बाद ये दोनों बाहर जाते हैं और बहुत बातें करते हैं। वही बातों बातों में नताशा कहती है कि मुझे यहाँ पर रहना काफ़ी अच्छा लगता है और मैं पूरी ज़िंदगी यहीं पर रहना चाहूँगी। ये सुनकर मार्क भी काफ़ी खुश होता है और नताशा से कहता है कि तुम जब भी चाहो यहाँ पर आ सकती हो और मेरे साथ रह सकती हो। आगे नताशा बताती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही है, और अभी भी तुम्हारे अंकल जब बाहर काम से जाते हैं तो वो पूरा दिन अपने पहले वाले पति को ही बातें करती रहती है, और मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को भी बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरा विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि मेरी मॉम ने तुम्हारे अंकल को झूठी झूठी बातें बताई थी कि मैं पूरा दिन अपनी मॉम से फ़ोन पर बातें करती हूँ। अब ये सब सुनने के बाद मार्क कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उसको ये सब चीज़ों की समझ नहीं थी। और इसके बाद नताशा के मॉम डैड मार्क के घर आते हैं और थोड़ी बात करने के बाद नताशा को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नताशा मना कर देती है और कहती है कि मुझे यहीं पर अच्छा लगता है। इसके बाद नताशा की मॉम उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों रहना चाहती हो और तुम्हारा मार्क से क्या अफेयर है। और ये सब सुनने के बाद नताशा उसकी मॉम पर अटैक कर देती है, लेकिन टाइम रहते ही मार्क के डैड उसे रोक लेते हैं। ये सब देखने के बाद मार्क की मॉम को बुरा लगता है और नताशा को उसके मॉम डैड के साथ जाने के लिए कह देते हैं। वही नताशा के जाने के बाद मार्क की मॉम उसे कहती है कि नताशा अब यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और नताशा से ना मिलने के कारण मार्क काफ़ी परेशान होने लगता है। मार्क ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाता और नताशा से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है, लेकिन नताशा की मॉम मार्क को रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि पहले भी नताशा का बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर हो चुका है। जिसे सुनने के बाद मार्क वहाँ से चला जाता है और वो अपने घर आ जाता है, लेकिन मार्क अभी भी नताशा को बहुत मिस कर रहा होता है और उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता। उसके बाद नताशा मार्क को बाहर मिलने के लिए बुलाती है। दरअसल नताशा अपना पूरा सामान लेके आई थी, क्योंकि उसने अपने मॉम से तंग आकर घर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। आगे नताशा कहती है कि वो ये जगह छोड़कर फ्लोरिडा रहने जा रही है और मार्क को भी उसके साथ चलने के लिए कहती है। मार्क ये सब सुनकर भी चुप बैठा हुआ होता है। नताशा आगे बताती है कि मेरी मॉम का और तुम्हारे अंकल का काफ़ी बड़ा झगड़ा हो चुका है,
और इसीलिए मेरी मॉम ने तुम्हारे अंकल को छोड़ दिया है। दरअसल मैंने तुम्हारे अंकल के साथ संबंध बनाया था और इसी के कारण मेरी मॉम ने तुम्हारे अंकल को छोड़ दिया है। मुझे मजबूरी में ये रास्ता अपनाना पड़ा ताकि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को छोड़ दे, और ऐसा करना जरूरी था क्योंकि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को बर्बाद कर देती। और फिर ये सब सुनने के बाद मार्क को नताशा के लिए बुरा लगता है और फिर नताशा को वो अपने रूम में लाता है, जहाँ पर नताशा वहाँ पर पूरी रात गुजारती है। अगली सुबह मार्क नताशा को कुछ पैसे देता है ताकि वो फ्लोरिडा यहाँ से जा सके, और उसके बाद यहाँ से नताशा अपना सामान लेकर चली जाती है। मार्क अभी अकेला पड़ जाता है और गुमसुम रहने लगता है। मार्क को रूफस का भी फोन आता है लेकिन वो उसका भी फोन नहीं उठाता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मार्क रूफस से मिलने उसके घर आता है। मार्क यहाँ पर आते ही देखता है तो नताशा यहाँ पर रूफस के लिए काम कर रही थी। रूफस कहता है कि मैंने इसी बात को बताने के लिए तुम्हें कई बार फोन किए लेकिन तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। रूफस आगे ये भी कहता है कि नताशा तुमसे नफरत करती है क्योंकि उसे लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया था। तभी यहाँ पर नताशा आती है जो मार्क को गुस्से से देख रही होती है, जिसके सामने मार्क भी गुस्सा करता है और गुस्से में ही यहाँ से चला जाता है। और मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि मार्क अब अपने घर आ चुका है और काफ़ी परेशान रहने लगा है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।